You are most welcome to my channel. Today I shall explain you about the chapter 11, variables. What are variables? Variables are those quantities whose values change. Variables ki value change hota hai. Variables can be written in the form of letters x, y or z. These values are unknown. और इसकी वैल्यू क्या हो सकता है, यस की वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1/2 हो सकता है, -1 हो सकता है, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। तो क्या होगा वैल्यू, फिक्स वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू अननोन है, इसलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल्स, क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वैल्यू चेंज हो जाता है। चेंज होने का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू यक्स का 1 हो सकता है, यक्स की वैल्यू 2 हो सकता है, यक्स की वैल्यू -1 हो सकता है, यक्स की वैल्यू 1/2 हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल्स। कांस्टेंट क्या होते हैं, तो कांस्टेंट आर दोज नंबर्स हुज वैल्यू डज नॉट चेंज, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होता, जैसे 2 है, 2 इज़ 2, 2 इक्वल टू 2, 2 कभी भी 3 नहीं हो सकता, 2 कभी भी 1 नहीं हो सकता, 2 हमेशा 2 ही होता है, ये वैल्यू फिक्स है, ये चेंज नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल्स क्या होते हैं, यक्स की वैल्यू कहीं पर इक्वेशन है, यक्स प्लस 1 इक्वल टू 3 है, यक्स माइनस 1 इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पर यक्स की वैल्यू आ जाएगा 3 प्लस 1 इधर आएगा माइनस 1 तो ये 2 हो गया, यहाँ पर यक्स की वैल्यू 3 और प्लस 1 इधर आएगा तो 1 तो यक्स की वैल्यू 4 हो गया, तो यहाँ पर यक्स की वैल्यू 4 हो गया, यहाँ पर यक्स की वैल्यू 2 हो गया, तो वैल्यू चेंज हो रहा है, इक्वेशन टू इक्वेशन इसकी वैल्यू चेंज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल्स। अब आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 11, ये देखिए क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं 11, इसमें लिखा हुआ है इंडिकेट द फॉलोइंग नंबर्स, लिटरल नंबर्स एंड बेसिक ऑपरेशन साइन। बेसिक ऑपरेशन साइन मीन्स प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, इंटू हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो नंबर 1 है डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज ट्वाइस इट्स रेडियस, तो नंबर 1 को लिखेंगे डायमीटर मीन्स 2, डी इक्वल टू ट्वाइस मीन्स 2 इंटू रेडियस मीन्स स्मॉल आर, डायमीटर इज 2 इंटू आर, तो डी क्या है, डायमीटर है, और आर क्या है, यह रेडियस है। तो ऐसे आपको लिखना है, फार्मूला बना करके लिखना है, और इसका मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है, यह भी एक्सप्लेन करके लिखना है। नंबर 2 में है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया को लिए प्रोडक्ट ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, अब ए क्या है, एल क्या है, बी क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है, तो ए इज एरिया, L is length and B is breadth. Number 3, selling price is equal to, selling price को लिखेंगे SP, equal to sum of cost price CP and plus profit को P. तो इसमें SP क्या कहेंगे, SP को क्या बोलेंगे, SP को लिखेंगे selling price. CP को क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस, और P को क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। मिटा देंगे इसकी जरूरत नहीं है। नंबर 4 है ए नंबर इज एडेड टू अनदर नंबर, ए नंबर इज एडेड टू अनदर नंबर, लेट अस सपोज यक्स इज एडेड टू अनदर नंबर वाई, तो यक्स इसमें क्या है, ये मान लो फर्स्ट नंबर है, वाई क्या है, ये सेकंड नंबर है। नंबर 5,
7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर, एनी नंबर मीन्स यक्स, यक्स में से 7 माइनस किया जा रहा है तो यक्स माइनस 7, तो यक्स क्या है, ये नंबर है, ये है नंबर। नंबर 6, कंपोसाइट अमाउंट इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, तो कंपोसाइट अमाउंट को लिखेंगे सी इक्वल टू सम ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को पी एंड प्लस इंटरेस्ट को आई। तो यहां पर सी को क्या लिखना है, कंपोसाइट अमाउंट। पी को प्रिंसिपल और आई को इंटरेस्ट, हो गया। नंबर 2 में आपको बताना, क्वेश्चन नंबर 2 में आइडेंटिफाई ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट एंड रीराइट द रॉन्ग स्टेटमेंट करेक्टली, ये दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो नंबर सक्सीडिंग ए विल बी ए प्लस 1, ए के बाद अगला नंबर ए प्लस 1 होगा, तो ये ट्रू है, ये ट्रू हो गया, ए का अगला नंबर ए प्लस 1 होगा। नंबर 2, द वैल्यू ऑफ एक्स चेंजेज अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, तो यक्स की वैल्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो ये भी ट्रू है। सेकंड में 2n वुड बी एन ऑड नंबर, तो 2n ऑड नंबर कभी नहीं, 2n ये हमेशा इवन होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नंबर इवन हो जाता है, तो ये ऑड नंबर नहीं हो सकता, तो ये रॉन्ग है। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको करेक्ट करना है, तो क्या करेक्ट कर कैसे लिखेंगे, 2n वुड बी एन इवन नंबर, ऑड की जगह पर इवन बना देंगे तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, जो गलत होगा उसको करेक्ट करके लिखना भी है। नंबर 4 में m इंटू n विल बी प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स, तो करेक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। नंबर 5 में वेरिएबल्स आर जनरली इंडिकेटेड बाई स्मॉल लेटर्स एंड ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, तो वेरिएबल्स को हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं, एक्स वाई जेड स्मॉल लेटर से ही लिखते हैं, कैपिटल से नहीं लिखते हैं, तो ये भी करेक्ट है। तो क्या क्या इसमें एक रॉन्ग था, केवल ये एक रॉन्ग था। थर्ड का 2n विल बी एन ऑड नंबर, ये होगा इवन नंबर, ऑड को काट के इवन कर देंगे, बाकी सब करेक्ट है।